जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए कन्नौज को, बी अहमदाबाद को, सी जयपुर को, डी मेरठ को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कन्नौज को। आपका दूसरा सवाल है, किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए सूडान देश में, बी भारत देश में, सी इटली देश में, डी चीन देश में। रोजाना इसी प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका सही जवाब होगा सी इटली देश में। आपका तीसरा सवाल है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ए भारत। आपका चौथा सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए रायपुर में, बी जयपुर में, सी उड़ीसा में, डी असम में। आपका सही जवाब होगा बी जयपुर में। आपका पांचवा सवाल है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा सी गोवा। आपका छठा सवाल है, किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है। आपके ऑप्शन है ए बकरी के, बी ऊंट के, सी खरगोश के, डी गाय के। आपका सही जवाब होगा बी ऊंट के। आपका सातवां सवाल है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। आपके ऑप्शन है ए 15 साल, बी 16 साल, सी 21 साल, डी 18 साल। रोजाना इसी प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका सही जवाब होगा डी 18 साल। आपका आठवां सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं। आपके ऑप्शन है ए चीन देश के लोग, बी भारत देश के लोग, सी जापान देश के लोग, डी श्रीलंका देश के लोग। आपका सही जवाब होगा बी भारत देश के लोग। आपका नौवां सवाल है, पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए जम्मू को, बी मसूरी को, सी लद्दाख को, डी नैनीताल को। आपका सही जवाब होगा बी मसूरी को। आपका दसवां सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। आपके ऑप्शन है ए लोहा, बी सोना, सी तांबा, डी चांदी। रोजाना इसी प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका सही जवाब होगा सी तांबा। आपका ग्यारहवां सवाल है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। आपके ऑप्शन है ए सुंदरता, बी सौंदर्य, सी ब्यूटीफुल, डी सुशील। आपका सही जवाब होगा ए सुंदरता। आपका बारहवां सवाल है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए केले का, बी नीम का, सी बांस का, डी सपेटा का। आपका सही जवाब होगा सी बांस का। आपका तेरहवां सवाल है,
भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी मुंबई, सी गोवा, डी वाराणसी। रोजाना इसी प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका सही जवाब होगा बी मुंबई। आपका 14वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपके ऑप्शन है ए कमल, बी गुलाब, सी गेंदा, डी सूरजमुखी। आपका सही जवाब होगा ए कमल। आपका 15वां सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है ए शिमला में, बी मेघालय में, सी हरिद्वार में, डी केरल में। आपका सही जवाब होगा बी मेघालय में। आपका 16वां सवाल है, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? आपके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी बाबर, डी हुमायूं। आपका सही जवाब होगा बी अकबर। आपका 17वां सवाल है, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी भारत। रोजाना इसी प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका सही जवाब होगा सी अमेरिका। आपका 18वां सवाल है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपके ऑप्शन है ए 202, बी 203, सी 204, डी 206। आपका सही जवाब होगा डी 206। आपका 19वां सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पद्म विभूषण, बी भारत रत्न, सी परमवीर चक्र, डी अशोक चक्र। आपका सही जवाब होगा बी भारत रत्न। आपका 20वां सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी लुधियाना, सी अमृतसर, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा सी अमृतसर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें।